subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. Naina dunyare jo baat dekhe thakte na re naina dunyare halka neh dono mein chalka sneh dono mein bole na baahon ka jhula ban jhula dena loriyan ga ke thapkiyan dena जो रोया आंख का सपना मेरा टूट कर जो खोया करके सौ बहाने नींद सी जादू भरी गोद में ही सोया अब न मछली गीत गाती है न बरगद बोलता है तेरे अरे अम्मा जी आइए 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 आइए।
हाँ, घर में सब ठीक है, बैठिए। तबीयत कैसी है अब? ठीक है? दवाइयाँ हैं या खत्म हो गई है? पानी लेंगे? बैठिए, देखिए संभल के। क्या आज फिर चिट्ठी लिखवानी है? आप यूं ही चिट्ठियाँ लिखवा करके भेजती रहती हैं, आपका बेटा जवाब तो देता नहीं। हाँ हाँ पता है अम्मा जी, आपका बेटा शहर जा कर के खूब बड़ा आदमी हो गया है, अब उसके पास माँ को चिट्ठी लिखने का समय ही कहाँ बचा है। ठीक है, समझ गया। बुढ़ापे और ढलते सूरज को अंधकार से लड़ना ही पड़ता है। प्रोफेसर बन भी जाता अम्मा जी तो क्या कर लेता, शिक्षा भी आजकल बहुत बड़ा व्यापार बन गई है, और मुझे ना तो कुछ खरीदना आता है और ना ही बेचना। खैर छोड़िए, चिट्ठी लिखते हैं। अच्छा, दिया के लिए भौंरा खरीद लिया है? भेजना भी है इसे? अच्छा अच्छा अच्छा, स्याही से शब्दों में आत्मा आ जाती है। लीजिए, सुन लीजिए। प्रिय बेटा मनोज, आशीर्वाद। आशा है तुम सब अच्छे होगे। बहुत दिनों से तुम सबकी याद आ रही है, मिलने की इच्छा हो रही है। बच्चों की बहुत याद आती है, हो सके तो बच्चे और बहू को लेकर 2-3 दिन के लिए यहां आ जाओ। कई दिनों से खांसी आ रही है, डॉक्टर को दिखाया लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर मुझे डराता रहता है कि फेफड़े का, लेकिन तू चिंता मत कर, अब जीवन के 2-4 दिन ही बचे हैं, बच्चों के साथ कुछ दिन गुजार लूं बस यही इच्छा है। जब तुम यहां आओ तो पहले से खबर कर देना। और बेटा तुम काम थोड़ा कम किया करो, तेरी तबीयत की चिंता हमेशा बनी रहती है। दिया के लिए आम के पापड़ बना लिए हैं, मेले से भवरा भी ले लिया है, भेज रही हूं। बच्चों को ज्यादा डांटा मत करो, दोनों बहुत अच्छे हैं। बच्चों को प्यार और बहू को आशीर्वाद। तुम्हारी मां। अच्छा, लड्डू भी भेजना है? मेरी माँ होती तो हम राई की छांव सबके नसीब में नहीं होती। अरे अम्मा जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, रख लीजिए। ओफो, लक्ष्मी और सरस्वती का बैर होता है। अरे,
ठीक है। आज 1 तारीख है, आप तो बैंक जाएंगे पेंशन के लिए, काफी लंबी लाइन होगी वहां पर। बाहों का झूला बन झूला देना, लोरिया गा के थप किया देना। इतनी सी दुआ थी बिन कहे बिना सुने मुझ पे ही लुटा दी, बाती डर लगे ना मुझे अंधेरा भी साथी। अब न तकिया गोद बनता ना स्वप्न संजोग बनता तेरे बिना। बाहों का झूला बन झूला देना, लोरियां गा के थप किया देना। मैडम जी कोरियर। अंकल एक कंपास। ये वाला अच्छा है। 120 अंकल इस पे तो 110 रुपए लिखा है, 40 रुपए वापस दे दो। मम्मी दादी की फोटो चाहिए, मम्मी दादी की फोटो चाहिए। क्यों?
ग्रैंड मदर का प्रोजेक्ट है स्कूल में, इसीलिए। एल्बम में कहीं पड़ी होगी, ढूंढ लो। वो तो बड़ी फोटो है, मुझे छोटी फोटो चाहिए। अब नहीं है तो क्या करूं? क्या सिर्फ एक फोटो के लिए दादी को लेकर आऊं? पापा। हाँ? दादी की छोटी फोटो चाहिए, स्कूल में ग्रैंड मदर्स पे प्रोजेक्ट है और उसमें दादी के बारे में लिखना है और दादी की छोटी फोटो चिपकानी है। बेटा दादी का छोटा फोटो तो शायद नहीं, लेकिन दादी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब मैं छोटा था ना, तो मेरे लिए हरी सब्जियाँ खरीदने बहुत दूर तक पैदल जाती थी। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन गांव का हर इंसान उनसे सलाह मांगने आता था और वो आज भी सबकी बहुत मदद करती। अब जाइए अपना प्रोजेक्ट फिनिश कीजिए, मैं अपनी बुक फिनिश करता हूँ। हाँ सब ठीक है अम्मा जी, बाज़ार तक आया था। आज बाज़ार लगाया ना तो सब्जियाँ लेने, बड़ी ताज़ी और हरी सब्जियाँ मिली। क्या दिया के लिए स्वेटर बुन रही हैं? अच्छा नहीं नहीं नहीं, आप आराम से बैठिए, घर से ही आ रहा हूँ सीधा, चाय नाश्ता सब हो गया। बिल्कुल कोई जवाब आया? चिट्ठी का? अम्मा जी सोच रहा हूँ इस साल एक कार मैं ले ही लेता हूँ, बच्चों के साथ घूमने में मज़ा आएगा, आप भी साथ चलिएगा, खूब मज़ा करेंगे। आपके लिए ये मूलियाँ और पालक लेते आया था, ताज़ा मिल रही थी तो मैंने कहा आपके लिए लेता चलूँ, आपका सब्ज़ी मंडी जाओगे है ना। ठीक है चलता हूँ। Ronaldo for Chelsea.
अरे यार मैच आ रहा है, रोज रोज मैच आता है। टेबल पर खाना रखा है, जब मर्जी हो खा लेना। चेल्सी आज दो गोल मारेगी। पापा मैनू के पास रूनी है, आज तो मैनू ही जीतेगा। अच्छा चलो देखते हैं। मम्मी हम दादी को मुंबई क्यों नहीं ले आते? क्योंकि मुंबई में जगह नहीं है इसलिए। पर दादी तो घर में रहेगी। बेटा मंडे से 24 घंटे की काम वाली बाई आने वाली है, अगर दादी यहाँ पर आ जाएगी तो काम वाली बाई कहाँ रहेगी? और वैसे भी हमारे घर में जगह नहीं है। पर दादी तो रूम में रह सकती है हमारे। तुम इधर उधर की बातें सोचना छोड़कर चुपचाप अपना खाना खत्म करो। मम्मी अब दादी जैसे लड्डू क्यों नहीं बनाते? अरे नहीं आते मुझे लड्डू बनाने। दादी को तो बस बम्बई आने का बहाना चाहिए। फिर वैसे भी बेटा बूढ़े लोगों को बड़े घर और खुली हवा सूट करती है, और तुम्हारी दादी के पास वहाँ पर ये सब कुछ है, ये सब यहाँ पर नहीं है। और सुनो, मैंने सुना है तुम लोग स्कूल से आते जाते रास्ते में अजनबियों से बात करते हो। जिस उम्र के हो ना उसी उम्र का काम करो, समझे? मेरी अलमारी में किसने हाथ लगाया? किसने बिगाड़ा मेरी अलमारी को? मैं दादी की छोटी फोटो ढूंढ रही थी। इतनी सड़ी सी चीज के लिए तुमने मेरी पूरी अलमारी, मेरे सारे कपड़े सड़क पे क्यों नहीं फेंक दिए? अब तुम और प्रखर दोनों मिलके मेरी पूरी अलमारी जमाओगे और पूरा घर साफ करोगे, समझे? दोनों के दोनों सिर्फ खेलना और खाना। कविता। हाँ मनोज। तुम कहाँ हो? क्या काम है? सुनो सुनो, मेरा ब्राउन और ब्लैक सूट लॉन्ड्री में दे दो, मुझे एक दो दिन में जापान जाना पड़ेगा। कांता देवी, ये तो दादी के लेटर्स है। ये तो खोले भी नहीं है।
भैया इसमें कैंसर होंगे ना। A disease caused by an uncontrolled division of abnormal cells in a part of a body. Something evil or destructive that is hard to contain or destroy. ये तो बहुत serious बीमारी है। इससे जान भी जा सकती है। जान भी जा सकती है। तुम दोनों 10 मिनट में टीवी बंद करके पढ़ने बैठ जाना। मैं भी बाहर जा रही हूँ। मम्मी आप कहाँ जा रहे हो? सब्जी लेने। क्या हुआ दिया? पापा को लेटर बता दे। पर अगर मम्मी को मालूम पड़ा कि हमने लेटर खोला है तो क्या दादी को ऐसे ही परेशान रहने दे? और अगर वो यहाँ पे आ जाएगी तो पापा उनको हॉस्पिटल तो ले जाएंगे। ठीक है, पर अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मुझसे मत बोलना। पापा पापा। बेटा अभी नहीं, बाद में, अभी बिजी हूँ। कभी भी आ सकती है, लेकिन मेरी माँ से तुम्हें प्रॉब्लम है। तो ठीक है, मैं घर से चली जाती हूँ। देखो अभी मेरा दिमाग मत खाओ। I have to prepare my presentation। मैं तो सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बन गया। कल सुबह पापा के साथ मॉर्निंग वॉक पे चलेंगे और उनको लेटर दे देंगे। मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। पर तू पापा को लेटर अभी क्यों नहीं दे देती? पापा के साथ रूम में मम्मी भी है। तू एक काम कर, छुपके से लेटर लेकर पापा के टेबल पे रख के आ जा। पर अगर पापा ने देखा नहीं तो? मुझे सुबह सुबह जॉगिंग करने का कोई इंटरेस्ट नहीं। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो तैयार होके? पापा के साथ वॉक पे जाऊंगी। पापा वो रात की फ्लाइट से जापान चले गए। पापा वापस कब आएंगे? 2 हफ्ते बाद। मम्मा को दादी से बहुत चिढ़ होती है। मम्मा को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमको ही दादी को यहाँ लाना पड़ेगा। हम कैसे लाएंगे? गोवा जाके। और कैसे? गोवा? मम्मी मार डालेगी।
तू डरता क्यों है? मैं भी चलूंगी ना तेरे साथ। तू भी चलेगी मतलब? तुझे तो इतना भी नहीं पता कि गोवा किधर है। वास्को डी गामा को पता था कि गोवा किधर है, फिर भी वो पहुंच गया था ना। वास्को डी मामा कालीकट पहुंचा था, गोवा नहीं। गोवा कालीकट सब कुछ सेम ही चीज है। तो भैया कालीकट किधर है? तो चल अभी लेट हो जाएंगे, जल्दी चल। मुंबई से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और गोवा पहुँच गए। बस इतनी तो दूर जाना है। लेकिन जाएंगे कैसे? ट्रेन से, सीएसटी स्टेशन से सीधा गोवा जाती है ट्रेन। और आते वक्त तो दादी होगी ना साथ में। कल जाएंगे और दूसरे दिन वापस आ जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। अगर हम घर से गायब हो जाएंगे तो मम्मी पुलिस में रिपोर्ट नहीं कर देगी? पुलिस को कैसे पता चलेगा कि हम गोवा जा रहे हैं? और जब तक उसको कुछ पता भी चलेगा, हम लोग तो वापस आ जाएंगे। नहीं नहीं, प्लान कैंसिल। जब पापा वापस आ जाएंगे तो उन्हें लेटर दिखा देना दादी का। तू दादी को मरने देगा? भाई साहब आप दिखाइए टिकट। सर टिकट तो नहीं है। क्या बिना टिकट ट्रेन में बैठते हैं? आलसी, जल्दी उठ जाता तो टिकट ले सकते थे। मैंने क्या किया? ज्यादा शानी मत बन। तो अब क्या करेंगे? मुझे क्या पता।
अच्छी जगह है। चलो बहुत गर्मी है, चलते हैं। हमको गोवा जाना है। गाँव इतने सारे मजे का। गाँव नहीं गोवा जाना है। गोवा यहाँ बस है, छोड़ दो तुम्हारा स्टेशन पर अंतर। गर्मी पड़ी है, यावर्षी पाऊस है ना, है मार्केट है खूब लांब है, रोज सकाळी जातो मार्केट ला। तुम्हाला काय त्रास तर नाही ना? नाही नाही, माझी पण दोन पोरं आहेत, शाळेला शिकतात, पण मी नाही शिकू शकलो। माझंही मन वाटतं की भरपूर शिकावं, पण तुम्ही शिका। काय बोलता? शिका, मोठा व्हा। उसने कहा था लाल रंग की बस आएंगी, कंडक्टर से पूछ कर बैठेंगे। ठीक है। ओ
उसने हमारी मदद की और मैंने उसके कबूतर उड़ा दिए। गलती करी ना भैया। शायद इन्हें बोलना नहीं आता। शायद। कमल कर। वाह भेड़ का पैर। तोड़ता हो थोड़े। खेत में बहुत काम करना पड़ता है ना। भैया अभी कोई बस मिलेगी? मुझे नहीं मालूम। सर आरटीआई वालों ने तो जान लेके रखी है यार मेरी पूरी। सर ठीक है ठीक है ठीक है ओके हाँ मिलता हूँ। सर मेरे बच्चे सुबह से घर वापस नहीं आए। तो सर मेरे बच्चे गायब हैं। कब से? आज दोपहर 3 बजे से। अरे मैडम अभी 4 घंटा तो हुआ है। सर आपके लिए 4 घंटे हुए, मेरे लिए 4 दिन के बराबर है। आप FIR नोट कीजिए और मेरे बच्चों को ढूंढना शुरू कीजिए। क्या मैडम, बच्चे आपके और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी
ऐसा होता है क्या? सर, सर प्लीज़ आप मुझे लेक्चर मत दीजिए। आप FIR नोट कीजिए और मेरे बच्चों को ढूंढना शुरू कीजिए। ओके मैडम। कामले? बोला साहब। मैडम का FIR लिखो ज़रा। देखिए आप शांत हो जाइए, बच्चे मिल जाएंगे, आपको इन्फॉर्म कर देंगे। प्लीज़। थैंक यू सर। भैया, मुंबई में तारे क्यों नहीं दिखते? पता नहीं। भैया आगे छोड़ देंगे। पता है दादी का घर सफेद चर्च के पास है, दादी वहीं फ्यूलिन में रहती है। ए कंदला रे, पप्पू का क्या हुआ? तो क्या बताऊँ यार, साहब ने कर दिया डंडा, वरना कब का अंदर कर दिया होता। तेरा तो ट्रांसफर पक्का है,
तेरे को मालूम है कि उसका पहुंच ऊपर तक है, तो तेरे को उसमें टांग रहने की क्या जरूरत है? अरे सेटिंग तो इनकी भी आजकल बहुत ऊपर हो गई है, जेब कतर होगी। छोटो इधर आओ। खाने में क्या है? खाने में दाल है, चना है, राजमा है, सेव भाजी, कड़ी कोड़ा, गाजर मटर है, आंडा कड़ी, आंडा पुरजी, दही की आंडा मसाला। आप क्या खाओगे? अंडा करी और रोटी ठीक रहेगी। और आपको बेटा? राजमा चावल। साथ में बाटल वाला पानी भी लेके आना। अंकल हम सोएंगे कहाँ? सोने की चिंता मत करो, मैं हूँ ना। चल बे बिल दे। क्या साहब, आपको तो डीए मिलता है ना। पास बंद कर, बहुत जेब काटी है तूने। चल निकाल पैसे। साहब हाथ कड़ी है ना। ये लो, अब ये भी दिन देखना था। बच्चे रात को क्या क्या कर रहा है? अबे तिमारी पकड़, साले को भाग रहा है। भैया गिटार बजाओ ना। अभी मूड नहीं है। पेपर देखा? लो देखो। चल सब के पास चल, निकाल दें सर। क्यों सर, पेपर तो ओके, पीयूसी है, लाइसेंस है, फिर भी आपका आदमी पैसे मांग रहा है। ए शिंदे, गाड़ी चेक कर इसकी, क्या है इसमें? साहब चेक कर लो, ये देखो। क्या साहब नुकसान कर दिया, इससे तो अच्छा खा लेते। हाईवे पे छोड़ता हूँ।
वहां से बस मिल जाएगी। चलो गिटार तो गाड़ी में ही रह गया। दादी के घर का एड्रेस और पैसे तो टेम्पो में रह गए। चल वापस मुंबई चलते हैं। तू जा मुंबई, मैं तो दादी को लेके आऊंगी। सब तेरी वजह से हुआ। मैंने क्या किया मतलब? अरे गिटार तो मैंने टांगा था टेम्पो में। भुट्टे दे दो। Thank you.
यार दो भुट्टे सेक दे। गोवा में कितने जाना है? पंजिम। अच्छा इतने रहते हो? नहीं हम मुंबई में रहते हैं। मुंबई? हाँ। तो यहाँ अकेले कैसे? वो हमारा म्यूजिक कंपटीशन था ना इसलिए। ओए बच्चों तुम कहीं घर से भागे तो नहीं हुए? आप हमको गोवा छोड़ दो हम आपको पैसे दे देंगे। तुम लोगों को तो मैं पुलिस स्टेशन छोड़ देता हूँ फ्री में। कि हम दादी के घर जा रहे हैं। ओए बच्चों ओए बच्चों, अरे नहीं ले जाऊंगा पुलिस में। कितने हो? अभी वो चली जाएगी। भैया दादी इतनी दूर क्यों रहती है? मुझे नहीं मालूम।
भैया दादी कहाँ गई होगी? आसपास ही होगी। मुंबई जाना है आपको? गाड़ी 4 घंटे लेट है। भैया वो क्या है?
आती ही होंगी।